और बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका हुआ, 30 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन है JUIF का, जहां ये धमाका हुआ है और 30 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, 50 लोग लगभग जो है घायल हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बाजौर में JUIF का एक कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में धमाका होता है और 50 लोग घायल हुए हैं, 30 की जान चली गई है। एक कार्यक्रम इस संगठन द्वारा चलाया जाता, धमाके में मौलाना जियाउल्लाह की जान चली गई है। अठारह आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान निकाला गया ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसमें 52 लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा ताजिया के हाई टेंशन तार से टकराने से हुआ, जिसके बाद ताजिए में जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 52 लोग बुरी तरह झुलस गए जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के अलवर में एक लड़के से दिनदहाड़े मारपीट की गई। बताया गया कि 5 लड़कों ने लाठी सरिये और लात घूसों से उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक लड़के को कई लोग मारते दिखाई दिए। किसी ने लात घूसों से उसे पीटा तो कोई इस पर लाठी बरसाता दिखा। जमकर पिटाई के बाद वहां से लोग फरार हो गए। बताया गया कि जिस लड़के की पिटाई की गई वो कबाड़ी का काम करता था और पीटने वाले उसे जानने वाले थे। हालांकि मारपीट की वजह सामने नहीं आई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने पेट्रोल पंप पर खतरनाक कारनामा किया। खुद ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने लगा और मोटरसाइकिल को पेट्रोल से ही नहला दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़के के साथ सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर लिया। लड़के ने रील बनाने के लिए जो हरकत की, उससे पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा हो सकता था। लड़का पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के सामने ही अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने लगा। इतना ही नहीं, उसने मोटरसाइकिल की टंकी को इतना ओवरफ्लो कर दिया कि उससे पेट्रोल बाहर आने लगा। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल से नहला दिया। एक वीडियो उसी व्यक्ति के संज्ञान में आया है जिसमें बाइक पे लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद आरोपी लड़के के साथ पेट्रोल पंप के सेल्समैन और वीडियो बनाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी इस लड़के का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो सड़क पर स्टंट करता दिखा था। इस बीच राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू ने फोन करके अपने पति को धमकी दी और दावा किया कि वो अपने बच्चों के लिए वापस भारत आएंगी। पाकिस्तान के मीडिया के दावे के मुताबिक अंजू ने पाकिस्तान में अपने सोशल मीडिया दोस्त नसरुल्ला खान से शादी कर ली और वहां से फोन पर अपने पति को धमकी दी कि वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा, सुन। जबकि अंजू के पति अरविंद के दावे के मुताबिक उनकी बड़ी बेटी ने अपनी माँ